से हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मेरा आज का ट्रिप होने वाला है वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड का, और मैं अभी पहुंचा हूं आपका कर्णप्रयाग में, जहां पे कि दो नदियों का संगम होता है, पिंडारी और आपका अलकनंदा का। जो आप जैसे देख रहे हो कि जो सामने से थोड़ी सी वाइट नज़र आ रही है वो है अलकनंदा, और जो बिल्कुल ब्राउन मिट्टी सी आ रही है वो है आपकी पिंडारी ग्लेशियर, जो पिंडर से आते हैं, और यह है कर्णप्रयाग का मार्ग है। तो अब आपको आगे मैं दिखाऊँगा क्या क्या व्यू आता है, कैसे कैसे आता है, और हेमकुंड का और आपका वैली ऑफ फ्लावर का एक अच्छा सा खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाया जाएगा, बहुत प्यारा सा, जो कि बहुत अच्छा व्यू आता है एक। तो देखते हैं आपको आप कैसा लगता है। तो पहला व्लॉग आपका हेमकुंड का होगा, तो पहले आपको हेमकुंड घुमाया जाएगा, देन उसके बाद अगले हफ्ते आपको वैली ऑफ फ्लावर दिखाया जाएगा पूरा। एक नंबर, दो घंटे से ये टनल में फंसा हुआ था, अब जाके जेसीबी ने निकाला गया इसको, अब जाके जाम खुला है 2-3 घंटे का हेलंग से पहले, जस्ट ब्लॉग ऊपर टकरा गया था ब्लॉग ऊपर। दोस्तों अभी मैं हूँ आपके जोशीमठ में, और अभी हो रहा है सुबह के 5:30, और यहाँ पे देखो वेदर क्या हो रहा है, बिल्कुल कोहरा मस्त वाला ठंडा। अब यहाँ से भी आधे घंटे के बाद चाय वाय पी के शुरू करने वाले वैली ऑफ फ्लावर का सफ़र, और ये रुका हुआ हूँ यहाँ पे जिसका नाम है जैन रेस्ट हाउस जोशीमठ। इधर आओ, हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। वैली ऑफ फ्लावर के रास्ते पर बदले आपके रास्ते में आपका एक प्रयाग और आता है, और जो इतना सुंदर है, और ये देखो उस प्रयाग है, ये है विष्णु प्रयाग। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ विष्णु प्रयाग में, और आपको विष्णु प्रयाग के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये है विष्णु प्रयाग, ये है जोशीमठ से 5-6 किलोमीटर आगे एक नदी यहाँ से आती है, एक नदी यहाँ से आती है, ये तो शायद अलकनंदा है, और ये वाली कौन सी नदी है? ये है धौलीगंगा। ये धौलीगंगा, ये अलकनंदा ना, धौलीगंगा और अलकनंदा संगम, यहाँ पे बनेगी अलकनंदा। फाइनली आई एम हियर टू गोविंद घाट, एंड गोविंद घाट से अब वैली ऑफ फ्लावर के लिए रोड कटने वाली है, अलग होने वाली है। तो यहाँ पे फिलहाल हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये है गोविंद घाट, देखिए ये आए जोशीमठ होते हुए। तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा होगा, इधर पे सीढ़ी जैसा ऐसा सा कुछ दिख रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है आपका सीढ़ी वाला, ये जाता है वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब। तो अभी हमको वहाँ से आगे से कट के यहाँ निकलना है। अब दिखाते हैं वैली ऑफ फ्लावर का अद्भुत नज़ारा, दिखाएंगे आपको उसके बाद हम। हेलो गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ गोविंद घाट, एंड गोविंद घाट से आगे आपको देखना, यहाँ से गोविंद घाट से 1 किलोमीटर आगे लगभग ये डिवाइडर आता है, ये रोड आती है, ये जाते हैं बद्रीनाथ, और यहाँ पर लगा हुआ है देखो ये हेमकुंड, यहाँ से जाते हैं हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर, वो वाली रोड से जाते हैं सीधे। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आपको नीचे एक पुल है, यहाँ से ऐसे आप आगे जाओगे, यहाँ से जाओगे नीचे को, यहाँ से तो नीचे को जाओगे इस रास्ते, तो यहाँ पे ये नीचे पुल है, देखिए यहाँ पे ये है, ये टैक्सी स्टैंड टाइप से है। यहाँ पे आपको 3-4 किलोमीटर तक पुलना तक के लिए लोकल गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी, और अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करके, पर बाइक जाती हैं, 4-व्हीलर यहीं खड़ी करके लोकल गाड़ी से जाना पड़ता है। देखते हैं दोस्तों, फिलहाल मैं आ चुका हूँ गोविंद घाट गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे की लोकेशन ये है, देखो कुछ ऐसे इंक्वायरी सिस्टम, ये वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जाने के लिए दोस्तों। ये कुछ दुकानें लगी हुई हैं,
अंदर तो नहीं जाने वाला हूँ फिलहाल, तो टाइम नहीं है। फिर गोविंद घाट की मार्केट पतली पतली गलियारी हेमकुट साहिब जाने से पहले गोविंद घाट में ये कुछ छोटी सी मार्केट कह सकते हैं उसको। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं उल्ना से आगे और मेरे पीछे आप देख रहे हो उल्ना गांव है, यहां पे बाइक पार्किंग ये वो सब है। और ये रहा आपका यहाँ के प्रधान जी का घर है, यहाँ पे मैंने फिलहाल बाइक पार्क कर रखी है। और ये देखो भाई सुंदर सा नज़ारा, क्या मस्त वाटरफॉल आ रहा है। ये और यहाँ पे भाई लोग काम करने वाले अपने इधर ही के निकल गए धारचूला साइड के। और ये है रास्ता हेमकुंड का, शुरू हो गया है ट्रैक। तो हम पहले दिन जाएंगे हेमकुंड, आज जाएंगे घांघरिया तक एंड घांघरिया से कल जाएंगे हेमकुंड, फिर कल हेमकुंड से वापस आके घांघरिया में रुकेंगे, परसों जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर। दोस्तों तो पुलना से चाय नाश्ता हल्का फुल्का करने के बाद अब हमने मैं कर चुका हूँ पैदल ट्रैक शुरू, सोलो ट्रैवलर वैली ऑफ फ्लावर। और कुछ इस तरीके से है व्यू, और इससे आगे आपको पूरा वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड घुमाया जाएगा और मस्त मस्त नज़ारे दिखाए जाएंगे आपको। तो मिलते रहते हैं आगे। तो गाइज मैं आपको अपने पीछे एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि अभी पैदल ट्रैक शुरू हुआ है और देन जस्ट उसके बाद देखिए आप क्या है यहाँ। ये देखो दोस्तों क्या ये है उत्तराखंड की खूबसूरती, वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता देखो गाइस। तो गाइस ये है हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर जाने का रास्ता, और ये कुछ कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो मैं ले रहा हूँ छोटे छोटे। रास्ता तो बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा है काफ़ी। मेरा 5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है लगभग है, और ये देखो मेरे पीछे का नज़ारा, ये देखो गाइस ये मतलब ऐसे वाटरफॉल तो इतने आ रहे हैं ना आजकल बरसात का टाइम है तो पेड़ तो कॉमन सी बात है। मेरे देखो कहाँ से आ रहा है, कितना लंबा है, ज़बरदस्त। अभी तक का रास्ता तो बहुत ही बढ़िया और मस्त है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई चढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही रास्ता है अभी तक का। तो हेमकुंड साहिब वाला हाँ करिए आगे देखते और कैसा आता है। दोस्तों अब शुरू हो रही है खड़ी चढ़ाई, और ये है वो चढ़ाई देखो, अभी सीधा ऊपर को जा रहा है। अब पता नहीं है कितना, वो मैं आपको बताऊंगा कितना है इसके बाद इसको देख करके कितना खड़ा चढ़ाई है, क्योंकि मैं अभी पहली बार ही आ रहा हूँ। और ये देखो, ये देखो यहाँ पे हर जगह का नज़ारा देखो, जन्नत है तो उत्तराखंड में है स्वर्ग। कहाँ है जन्नत? उत्तराखंड। मस्त वाली सुकून है तो अपने उत्तराखंड में, और ऐसा सुकून क्या बोले, सावन का महीना है, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात हो रही है हल्की, क्या मस्त नज़ारा हो रहा है। अभी तक का सफ़र सेक्सी मस्त स्मूथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तो बढ़िया रास्ता है, एकदम तिरछा और चौड़ा काफ़ी, और भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। 3-4-5 किलोमीटर आ गए, 4-5 किलोमीटर और है बस।
इन्जॉय करते हुए। और ये देखो किसी का व्यू का नज़ारा, मेरा भंगरिया का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। 1-2 किलोमीटर है यहाँ पे से, पर आज तक के मैंने जितने भी ट्रैक करे, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ, वासुकीताल, वसुधारा और मधमहेश्वर और तुंगनाथ, तो आज तक का मेरे को सबसे इजी ट्रैक और सबसे अच्छा ट्रैक और सबसे साफ सुथरा ट्रैक मतलब ये वाला लगा अभी तक हेमकुंड का, हेमकुंड वैली फ्लावर का, घंघरिया तक का। क्योंकि चढ़ाई मतलब ना के बराबर है, जहाँ पे है ऐसी रास्ता है बिल्कुल, तो और बिल्कुल खूब चौड़ा है, साफ सफाई है, मस्त है। तो अभी तक का सबसे अच्छा रास्ता और अच्छा ट्रैक यही लगा। एंड देन आगे देखते हैं और कैसा है क्या है, और बेस्ट ट्रैक। और जहाँ तक मुझे लगता है कि श्रीनगर से अगर हम निकलें, सुबह भी निकलें, तो मेरे हिसाब से तो शायद अगर हम 11 बजे भी अगर चलते हैं नीचे से आपका गोविंद घाट से, शाम को 5-6 बजे तक तो हेमकुंड आराम से पहुंच सकते हैं, आराम से बिल्कुल मस्त मज़े से बिल्कुल बिना थकावट के, चाहे कितना भी स्लो चलो आप, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है अभी तक। क्योंकि घांगरिया तक तो ऐसी है, घांगरिया से थोड़ी चढ़ाई है कह रहे हैं लोग, पर देखते हैं कितनी है। 6 किलोमीटर है घांगरिया से, तो तब भी 5-6 बजे तक तो मेरे हिसाब से तो आराम से हेमकुंड तक जा सकते हैं एक दिन में हम, और हेमकुंड में स्टे करके नेक्स्ट डे आप आराम से 10-11-12 बजे तक भी अगर हेमकुंड में बिताएंगे तो वापस आ करके कांगड़े में स्टा करके उसके अगले दिन जा सकते हैं वैली फ्लावर। तो मुझे जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि अभी तक के हिसाब से मुझे बहुत ही ट्रैक लगा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान। मैं कांगड़िया शायद अगर अपने हिसाब से चलूँ, जिस हिसाब से मैं तुंगनाथ मधमहेश्वर रुद्रनाथ का ट्रैक करता हूँ, तो मैं शायद जहाँ से पैदल शुरू होता है तुंगनाथ से, घांगरिया 2-2.5 घंटे में आराम से पहुँच जाऊँगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो है 3 घंटे भी मान लो तो आराम से रुकते रुकते चढ़ाई फिर 3 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। और दिन वहाँ से अगर चढ़ाई होगी भी तो शायद 2 घंटे में 6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, आराम से पहुँच जाएंगे। नज़ारा है गाइस, बेहतरीन नज़ारा, और शोर देखो, आवाज़ देखो, जंगल, जंगली जानवर वायु क्षेत्र, ये नीचे जो पुल पड़ता है, पुल के बाद भाई साहब चढ़ाई तगड़ी वाली। हेलो भाई, अभी तक तो मस्त कट रहा था सफ़र, मज़ेदार भाई। जैसे ही वो पुल क्रॉस करा है ना भाई साहब, उसके बाद खतरनाक खड़ी चढ़ाई है भाई, तगड़ी वाली अच्छी खासी, मतलब पूछो मत। और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ ना, बीच बीच में मैंने रनिंग करी, मेरी हालत ख़राब हो गई। पर जो मज़ा आ रहा है ना, व्यू देखो गाइस, व्यू देखो, ये है व्यू यहाँ का। नीचे पुल है भाई, पुल पे तो क्या
तगड़ी चढ़ाई है गाइस। एक चढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। यानी व्यू पॉइंट दिखा हुआ है, जगह का नाम तो नहीं पता, पर हाँ यहाँ से घांगरिया है 2 किलोमीटर और। हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो फाइनली पुल के बाद मैंने स्पीड खींची है ना, शायद मेरे ख्याल से 1 घंटे में, 1 घंटे के आसपास मैं पहुंच गया घांगरिया का। और ये है घांगरिया का व्यू, ये देखो यहाँ पे है कैंप साइड, GMBM। और देखो गाइस क्या व्यू आ रहा है, देखो अपने नदियों का संगम तो देखा होगा, आज देखो 2 पहाड़ियों का संगम। ये है घांगरिया, घांगरिया से व्यू देखो, ऊपर बादल पिघलने वाले और पहाड़ देखो तो ऊँचे हैं, पत्थर उत्थर गिर गए ना तो लग जाएंगे। घांगरिया से जस्ट 200-300 मीटर पहले मस्त तगड़ा व्यू देखो, और क्या प्यारा जंगल है देखो गाइस। और मेरे पीछे ही सोलो ट्रैवलर, 3 घंटे में घांगरिया, मस्त मज़ेदार ट्रिप। हेलो भाई, फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घांगरिया, और ये है घांगरिया देखो। 3-4 घंटे में पहुंचा मैं घांगरिया, मस्त पहुँच तो मैं खैर हेमकुंड भी पहुंच जाता आज, लेकिन मेरे पास टाइम काफ़ी है तो आराम से जाऊंगा, कुछ जल्दी नहीं है, आज यहीं रुकते हैं। वैसे भी अपना खाना सब फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आज का स्टे है घांगरिया। हर हर महादेव दोस्तों, आज हो गई है 24 जुलाई और सुबह का मौसम है आपका 7 बजे तक मेरा हेमकुंड पहुंचने का प्लान है घांगरिया से, अभी बज रहे हैं 5:10 में निकल रहा हूँ। अभी 5 मिनट पहले देखा था मैंने, पर पूरा मौसम साफ था, लेकिन फिर से कोहरा आ गया, देखते हैं आगे जाके थोड़ा साफ होता है तो आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। यह है घांगरिया की मार्केट, यह है गुरुद्वारा, तो आपको रहने की व्यवस्था गुरुद्वारे में मिल जाएगी, और बाकी होटल तो हैं काफ़ी, और रेट डिपेंड करता है कि भीड़ भाड़ कैसी है क्या है उस पर। फिलहाल अभी गुरुद्वारे में आपका फ्री वाली व्यवस्था भी है, और जहाँ गर्म पानी अगर आपको चाहिए तो वो रूम 1100 रुपये का है। होटलों के रूम रेंट आपका 700-800 रुपये पर पर्सन पड़ रहा है, और कुछ कुछ होटलों में गीजर हैं, कुछ कुछ होटलों में गर्म पानी की बाल्टी मिलती है बस। हर महादेव, अब मेरा हो चुका है हेमकुंड साहिब का प्रॉपर ट्रैक शुरू, मतलब प्रॉपर कहने का मतलब मेरा कि
यहाँ पर कांगरिया के बाद वैली ऑफ फ्लावर और हिमकुंड के लिए अलग से रास्ता कट जाता है, तो वो मैंने क्रॉस कर लिया और अब आ गया हूँ हिमकुंड वाले रास्ते में। और जैसे ही कांगरिया क्रॉस करके 700-800 मीटर आगे आया हूँ, उसके बाद मेरे सामने आया है ये व्यू गाइस, देखो यह भी जो मेरे सामने आया है अभी, ये देखो क्या मस्त नज़ारा आया गाइस देखो। और अभी मेरे को शायद मैं गया तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को बोला कि यहाँ जाना है इसके ऊपर सीधे, जो ऊपर जो चोटी दिख रही है इतना ऊपर जाना है सीधे वहाँ की, देखते हैं यह रास्ता यहाँ के बाद। और खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है और ये है व्यू, ये दिख रहा यहाँ पे जो दिख रहा है ये एरिया पूरा घंगरिया का है। गाइस एक घंटा लगातार चलने के बाद घंगरिया से, और आपका बिल्कुल कोहरा लग गया था अचानक से, चाय पीने तक में पूरा कोहरा आ गया था, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन जस्ट एक घंटा चलने के बाद मेरे सामने देखो आप क्या व्यू आया है। ये रहा घंगरिया नीचे, ये यहाँ से आया हूँ मैं बिल्कुल जिग जैक करके और बिल्कुल खड़ी चढ़ाया गया इस, ये देख रहे हो आप सीधे नीचे से ऐसे जिग जैक करके। पर उसके एक घंटे चलने के बाद जो व्यू आया ना आगे देखो, हेमकुंड साहिब 15,500 फिट की ऊंचाई पे है लगभग, और अभी फ़िलहाल मैं शायद 13-14 तो चल गया हूँ, 13-14 हज़ार फिट की ऊँचाई पर तो आगे होंगे, ऊपर दिख रहा है वहाँ जाना है, वहाँ से भी आगे पता नहीं और कितना है। पर जो सुकून मिल रहा है ना अब व्यू देखो गाइस, क्या मज़ा आ रहा है, सुबह जल्दी चलने का फल है ये फल, और आगे देखो कितना कैसा फल मिलता है। और तो अगर शॉर्टकट लेने का एक्सपीरियंस है तो ये लेना, वरना मत लेना, क्योंकि भाई घंगरिया से तो वैसे ही बहुत गंदी चढ़ाई है, जो मैंने एक्सेप्ट करी थी उससे तो बहुत गंदी है भाई, जो मैंने सोचा था उससे बहुत गंदी है। तो और वो भी जो मेन रास्ता है वो गंदा है, वो ही बहुत भयंकर चढ़ाई वाला है, तो शॉर्टकट तो आप सही सोच लो कितना ख़तरनाक होगा। बीच बीच में जो पड़ रहे हैं फिलहाल, बीच बीच में जितने पड़े मैंने मारे हैं शॉर्टकट, लेकिन भाई चढ़ाई देखो आप कि क्या है, मतलब सीधा सीधा ऊपर ही जाना पड़ रहा, ये हालत ख़राब हो गई है भाई मेरी, हो गई लगा लो, जबकि मैं पिछले 2 महीनों से लगातार ट्रैक कर रहा हूँ तब भी। तो भाई शॉर्टकट अगर कोई मारने वाला है तो सोच समझ के मारो, जो चल सकता है बस। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हेमकुंड साहिब से जस्ट 1 किलोमीटर नीचे, और इसे मेरे पीछे देखो वाटरफॉल भी दिख रहा है, और ये पुल जस्ट इस पुल के बाद ये जो रास्ता जा रहा है ये है सीढ़ियाँ, और आगे जो जाता है वो है घोड़ों का रास्ता पैदल। तो सीढ़ियों से अगर आप जाते हो तो 500 मीटर के आसपास बचेगा, क्योंकि सीढ़ियाँ जो हैं खड़ी सीढ़ियाँ हैं, 1500 सीढ़ियाँ हैं, और आपका 1500 सीढ़ियाँ हैं सीधे 500 मीटर में हेमकुंड आ जाएगा। यहाँ से आप जाओगे तो 1 किलोमीटर 200 मीटर मतलब 1200 मीटर के आसपास पड़ेगा। तो मैं तो जाऊँगा फिलहाल शॉर्टकट सीढ़ियों से, तो ऊपर का व्यू दिखाते हैं। फिलहाल अभी कोहरा लगा है, तो मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है कि कोहरा आ रहा है जा रहा है, तो देखते हैं। और ठंडे की वजह से थोड़ा सा खांसी हो गई है फिलहाल, क्योंकि पसीना हो रहा है गंदा वाला जी भाई, घंगरिया से जो चढ़ाई है ना तगड़ी वाली है, तो ठंडी भी लग रही है। मैंने कपड़े पहन से जैकेट वैकेट सब पहने थे मैंने, पर इतनी गर्मी लग रही, इतना पसीना हुआ तो मैंने उतार दिया, और पसीने से गीला हुआ तो ठंडा भी लग रहा है। तो यह है वो सीढ़ियाँ जहाँ से मैं जाने वाला हूँ, और ये है घोड़े वाला रास्ता, तो देखते हैं गाइस 1200 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। आए हाय हर हर महादेव, घुटनों की रक्षा करना बस, बाकी तो अपन देख लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर हर महादेव, तुम्हारे दोस्तों को हेमकुंड से बस 200 मीटर नीचे बैठा हुआ हूँ, और मेरे को पहला दर्शन हुआ, क्या हुआ मुझे क्या दिखा, तो ये देखो क्या दिखा, ये देखो और ये देखो, और तुम्हारा भाई कहाँ बैठा है ये देखो, और किस लिए बैठा है वो भी दिखाऊंगा अभी, ये देखो
और अब देखो तुम्हारा भाई तुम्हें क्या दिखाता है। ये देखो, ये दिख रहा है गाइस, ये है ब्रह्म कमल, ये और नीचे तक है ब्रह्म कमल। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हेमकुंड, और मेरे पीछे का आप देखो व्यू, फाइनली 15,000 फिट की ऊंचाई चढ़ने के बाद, क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच गया हूं हेमकुंड साहिब। और यहां से एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूं कि क्या व्यू आ रहा है। ये देखो, यह है यहाँ का व्यू, और अब आपको दर्शन कराते हैं हेमकुंड साहिब और लास्ट की 1200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद। ये रहा हेमकुंड, हर हर महादेव। लक्ष्मण जी का मंदिर, ये देखिए फिलहाल पहले मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण जी के मंदिर, उसके बाद मैं आगे। हेमकुंड साहिब सोचा था थोड़ा इधर उधर जाऊंगा, पर अलाउड नहीं है, पर जो भी है इतना तो कर सकता हूँ। इतना सबसे पहले मेरी एंट्री हो रही है लक्ष्मण जी के मंदिर में, देन उसके बाद फिर आप कहाँ से हो? अच्छा, मैं श्रीनगर सिरकोट। अच्छा, यार उधर तक नहीं जाने देंगे क्या? उधर कहीं, उधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे क्या? उधर नहीं जाने देंगे। अच्छा, तक और भी आ रहे? हाँ 10-15 लोग आ रहे हैं, मतलब वैसे क्या रास्ते में मिल गए थे तो नीचे ही हो, तो खैर 12 बजे पहुँचेंगे। ऐसा तो नहीं वीडियो बना उधर, मतलब वीडियो आएगी तो कुछ दिक्कत नहीं है? ये हमारे लक्ष्मण जी का मंदिर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हेमकुंड 2 घंटे की चढ़ाई के बाद, और ये देखो गाइस यहाँ का नज़ारा, व्यू देखो, और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा। तो ये देखो व्यू, भीड़ बहुत कम है तो मस्त अच्छा लग रहा, अभी काफ़ी सुबह के बज रहे हैं 7, और ये देखो ये हमारे लक्ष्मण जी का मंदिर। यह है महादेव जी का मंदिर, यह लक्ष्मण जी का मंदिर, तो महादेव दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यह महादेव, महादेव का शिवलिंग, और आपका यह लक्ष्मण जी का मंदिर, और इसके चारों तरफ का व्यू देखिए,
ये है आपका हेमकुंड साहिब। अब आ गया कोहरा फिर से, आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, पर ठीक है मस्त हो रहा है। महादेव अभी बज रहे सुबह के 9:30 के आसपास और मैं हूँ आपके हेमकुंड साहिब में, क्योंकि मैं 7:30 करीब पहुँच गया था। फिलहाल अभी बैठा हुआ हूँ क्योंकि आज घांगरिया रुकना है और बहुत टाइम है, तो नीचे जाके भी क्या करूँगा, 1 घंटे में नीचे पहुँच जाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ बीच में, यहाँ पे मौसम में बादल आ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर खुल रहा है फिर जा रहे हैं। तो अभी देखो कुछ बादल खुलने के बाद मौसम मतलब क्या हो रहा है और व्यू क्या आ रहा है। आप देखो ये रहा हेमकुंड साहिब का मौसम और इसका 360 व्यू देखोगा इसके आ रहा है। और अभी हम हैं 15,000 से ऊपर की हाइट पे, ये 15,000 से ऊपर की हाइट है। यहाँ पे रुकने का कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए जो भी आता है सुबह आके शाम को घांगरिया में ही रुकता है। ये देखो व्यू देखो गाइस क्या आ रहा है। Four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten हुआ, ten, ग्यारह, बारह,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.